बकरी किस डिस्चार्ज डाल रही है लेकिन पता ही नहीं चल रहा ये क्यों डाल रही है। क्या ये हीट पर है या ग्याबन हो गई है? इस चीज से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड को इग्नोर करें क्योंकि फार्म में जगह नहीं है थोड़ी, तो इसलिए स्टोर रूम में बैठ के थोड़ा सा शूट करना पड़ रहा है। तो आज का डिस्कस इसी बारे में करेंगे कि बकरी हमारी डिस्चार्ज डाल रही है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्याबन है या नहीं। डिस्चार्ज देख के पता चल जाता है बकरी क्या बनी है। मैं बता चुका हूँ पहले ही कितनी ही वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं बताता आ चुका हूँ कि कितनी मतलब डिस्चार्ज से पता किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं चल रहा है लोगों को। अब भी पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उनके साथ में। तो आपको करना यह है कि मतलब आप जब बकरी क्रॉस करवा के लेकर आ जाए तो उस बकरी को 3-4 दिन तक निगरानी में रखें। जब वो डिस्चार्ज डालेगी ना, लाइक जैसे कि थिकी डिस्चार्ज, गाढ़ा पीले कलर का, हल्का सा पीला, सफेद गाढ़ा, ठीक है, वो मटियाला सा भी आता है, ठीक है, इस टाइप का 3-4 कलर आता है, लेकिन रहेगी कंडीशन गाड़ी गाड़ी कंडीशन वो ऐसी होगी कि बिल्कुल ऐसा थिकी होगा, वो गिरने का भी नहीं होगा और लटकेगा भी नहीं। वो सिर्फ एक पार्ट के ऊपर जिस जगह से यूरिन पास होता है वहां से वो वहां वो लटका रहेगा और काफी मतलब समय तक लटका रहेगा। वो यूरिन पेशाब करने से पहले आएगा, रहेगा, और जब बकरी पेशाब करेगी उसी के साथ वो निकल जाएगा, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाढ़ा डिस्चार्ज था और अभी बकरी हमने 5 दिन पहले क्रॉस करवाई है, तो ये क्या बन है? 5 दिन के बाद इसने डिस्चार्ज नहीं दिया, अब दे रही है हफ्ते भर के बाद, तो भी ग्याबन मानी जाएगी। कंडीशन यही होनी चाहिए, इन कंडीशनों में बकरी हीट पर ना हो। हीट के लक्षण क्या है? जो लक्षण आपने देख के क्रॉस करवाया था ना, लक्षण ही तो देखे थे ना आपने, क्रॉस करवा दिया, तो वही लक्षण आपको दोबारा देखने। अब वो लक्षण नहीं थे, वो चुप थी बकरी, बिल्कुल साइलेंट थी, लेकिन उसके बाद में क्या थी, मतलब पूंछ भी नहीं हिला रही, सिर्फ डिस्चार्ज डाल के चुप खड़ी है, लेकिन यानी का मतलब ये है बकरी हीट पर नहीं है। क्या बनोगे? हीट की क्या पहचान है? डिस्चार्ज भी डालती है, फिर चाहे गाढ़ा डिस्चार्ज हो, चीख रही है, चिल्ला रही है, पेशाब कर रही है बार बार, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो परेशान है, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, नहीं जी अब ये बकरी क्या बननी है, वो जो डिस्चार्ज है वो बकरे का पैक हो रहा है, इस वजह से वो गाढ़ा आ रहा है, क्योंकि बकरी का पतला होता है तो बकरे का सीमन ठीक ही होता है, गाढ़ा होता है, तो इस वजह से भी पता लगाया जा सकता है। तो आप ये पता कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये देख सकते हैं कि बकरी 3 दिन में डिस्चार्ज दे तो ग्याबन, 7 दिन में दे तो ग्याबन। अब यहाँ आ गई बात आपकी, महीना भर हो गया, महीने भर के बाद अगर वो बकरी ग्याबन है या नहीं, वो डिस्चार्ज डाल रही है जी, ग्याबन है बिल्कुल, टेंशन ना लें, ठीक है। ये एक वीडियो कंप्लीटली बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, समझना गौर से, लेकिन बाद में आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बकरी क्या बन है? क्या बन होने के बाद 3 दिन बाद डिस्चार्ज नहीं दिया, 7 दिन बाद डिस्चार्ज नहीं दिया, 15 दिन के बाद दे रही है, क्या बन मानी जाएगी? लक्षण नहीं होने चाहिए हीट के, महीने भर के बाद दे, क्या बन मानी जाएगी? इसका दवाई भी बताऊंगा, अगर ये बीमारी है कहाँ स्टेज पे बीमारी मानी जाएगी और दवाई क्या है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। 15 दिन हो गए, महीने भर के बाद दे, क्या बन है? अब आ जाती है 1.5 महीने के समथिंग में। अब देख लीजिए, ऐसी बात है, बकरी ने पहले पीरियड में डिस्चार्ज दिया था, आपने नोट नहीं किया, क्या बन थी वो आप नहीं ना समझ पाए। अब अगर बकरी 1.5 महीने बाद भी डिस्चार्ज दे रही है तो वो क्या बन है, और इस पीरियड में बकरी हर 2 महीने 3 महीने के पीरियड्स में, प्रेगनेंसी पीरियड जब उनका सर्कल चलता रहता है, ग्याबन का एक वक्त चलता रहता है, वो डिस्चार्ज डालती रहेगी और नॉर्मल है, डालने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब होगी आगे वीडियो में बताऊंगा। डिस्चार्ज डाल रही है, डालने दो, नॉर्मल, इग्नोर, कोई मसला नहीं, डालने दो, डालते 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 अपने पीरियड्स के कंप्लीट पहुंच चुकी होगी वो, लगभग 5वें महीने पे, 15-20 दिन पहले भी डाल सकती है वो डिस्चार्ज। तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि बकरी जो है कि डिलीवरी के नज़दीक है, डिलीवरी के नज़दीक बकरी पानी जैसा डिस्चार्ज डालेगी, जो हीट का लक्षण होगा, मैं फोटो लगा दूंगा, ये देख सकते हैं आप, बकरी मेरी डिलीवरी के टाइम थी ऐसा डिस्चार्ज डाल रही थी। थोड़े इशारों में बात को समझे, मैं थोड़े फोटो वीडियो वर्डों को वीडियो में नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो में बहुत सारी समस्याएं बनती जा रही हैं, मेरा चैनल जो है वो नीचे कैटेगरी पे आ रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो में खोल खोल के लोगों को बता रहा हूँ, लोग समझ तो बहुत अच्छा रहे हैं, कमेंट्स में तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यार वीडियो नहीं चल रही मेरी, तो थोड़ा सा इशारों में अब मैं बताता हुआ आगे से चला करूँगा, तो थोड़ा समझने का दिमाग पे जोर दें क्योंकि मेरी वीडियो आगे
रैंकिंग में आ नहीं रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्डों का कुछ खोल के तफसील के साथ उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो ज़रा मसला बन रहा है। थोड़े मैं क्लियरली भी फोटो भी लगा देता हूँ, थंबनेल भी लगा देता हूँ क्लियरली, और टाइटल भी डाल देता हूँ मैं क्लियरली, तो वहाँ मसला बन रहा है। तो थोड़ा आपसे थोड़ा मैनेज करते हुए चलना प्लीज़। तो बकरी 5वें महीने पे भी हीट डिस्चार्ज दे सकती है। आज 5वां महीना लग गया उसे, 5वां महीना लग गया, ठीक है, यहाँ दे सकती है। अब आ गई ये बात नॉर्मल वाली, 11 की पहचान वाली, किसी भी महीने में देगी। हीट का लक्षण नहीं है तो 11 मानी जाएगी। साइलेंट बकरी, चुपचाप खड़ी बकरी डिस्चार्ज नहीं देगी। अगर देगी तो 11 है, हीट के लक्षण नहीं है तो 11 है, और हीट के लक्षण है तो आपकी खाली निकल गई बकरी। दोबारा आपके पास, आपको बकरी के पास लेके जाएगा, इधर उधर मत दिखाइए, टाइम बर्बाद मत करिए, खुद बकरी के पास ले जाइए। बकरे में बकरी घुस रही है तो क्रॉस करवा दीजिए। बकरी डिस्चार्ज डाल रही है, शक हो रहा है, बकरी हीट कलेक्शन दे रही है नहीं दे रही है, बकरे के पास ले जाइए, बकरा क्रॉस ही नहीं करेगा। जो डिस्चार्ज निकलता है ना उसमें वो स्मेल होती नहीं है जो बकरी को अट्रैक्ट कर, बकरा अट्रैक्ट हो उस डिस्चार्ज से, तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये बात हो गई थोड़ी सी यहाँ क्लियर, 11 का टॉपिक खत्म। खाली बकरी का ले लेते हैं, ये खाली बकरी अगर डिस्चार्ज डाल रही है गाढ़ा, तो देखिए ये जो है ये इन्फेक्शन के लक्षण में आता है कुछ समथिंग, थोड़ा थोड़ा, 100% नहीं, ये इन्फेक्शन के लक्षण में आता है। बकरी आपकी हीट पर आती नहीं है, डिस्चार्ज डालती है, बकरी के पास लेके जाते हैं, क्रॉस ही नहीं करता बकरा। आपकी बकरी हीट पे होने के बाद क्रॉस ना करे, समझ लो 101% बकरी इन्फेक्शन में है। बकरी को इन्फेक्शन है, उसके यूट्रस में इन्फेक्शन है, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। ऐसी बकरी को जबरदस्ती करवा देंगे ना आप, क्रॉस रिपीट हो जाएगी, रुकेगी नहीं, बकरा करेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। दूसरी बात, बकरी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपनी एक मेडिसिन लगा रखी है, किसी को चाहिए ऑनलाइन खरीद सकता है रिपीटर के लिए। देसी नुस्खे भी बताऊंगा मैं। अगर आपकी बकरी बार बार रिपीटर पे आती है, 10 ग्राम सौंफ, 5 इलायची, काली मिर्च के दाने, और आपको यहाँ पे ले लेना है हल्दी 5 ग्राम, ये चीज़ ले लेनी है। पाउडर बना के 15-20 दिन खिलाइए बकरी, जब भी हीट पर आए क्रॉस करवा दीजिए, कंसीव कर लेगी। सेकंड, मिनरल मिक्सचर और हल्दी, ये दोनों मिक्स करके बकरी को खिलाइए 40 दिन। खिलाने के बाद जब बकरी हीट पर आए मत कराओ क्रॉस, कैंसिल कर दो, कंटिन्यू रखो दवाई। लेकिन जब ये हीट कैंसिल हो गई, अब आपकी बकरी 10-15 दिन में दोबारा हीट पर आने वाली है, खिलाते रहो खिलाते रहो। अब आप जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल डोज लेके गए खिलाने के लिए, आपने देखा बकरी हीट पर आ गई, ये डोज वापस अब नहीं खिलाना, सुबह को क्रॉस करवा दो। अगर रात को हीट पे है, रात को हीट पे है मतलब 12 घंटे के बाद क्रॉस करवाओ, सबसे बेहतर, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। और बकरी का डिस्चार्ज से अब पता चल गया ना कि एक इन्फेक्शन है, बकरा क्रॉस नहीं करेगा। खाली बकरी गाढ़ा डिस्चार्ज क्यों दे रही है, और बकरी का रिपीट हो रही है, बीमारी भी बता दी मैंने, इसका इलाज भी बता दिया, ठीक है। एक ट्यूना की एक टेबलेट और सीरप आता है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है, कभी आप लेकर आएँ तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो इतने सस्ते जुगाड़ मैंने बता दिए, 100% काम करेगा, ठीक है। तो बकरी जो है अगर 51 हो गई है, क्रॉस हो गई है, उसके बाद डिस्चार्ज डाल रही है, ईजीली पता कर लें सिर्फ ये देख के, बकरी हमारी ना पूँछ हिला रही, ना पेशाब कर रही, बार बार चीख भी नहीं रही, बस चुपचाप खड़ी और डिस्चार्ज निकाला या निकल रहा है और डाल दिया। 51 है, पूछने की जरूरत ही नहीं, किसी भी वक्त दे सकती है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, हर महीने 2-2 दिन, 10-12 दिन अगर वो डिस्चार्ज देती है। अब आ गई समस्या की बात, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ये करना होगा, 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम देसी घी, 25 ग्राम मेहंदी के पत्ते, ओरिजिनल पेड़ से तोड़े हुए, तीनों चीजों को पीस लीजिए, मेहंदी के पत्तों को पीस लीजिए और इन चीजों तीनों को मिक्स कर लीजिए, मिला करके बकरी को खिला दो। पहले डोज में डिस्चार्ज आना बहुत, 90% आराम हो जाएगा, दूसरे में खत्म हो जाएगा, तीसरा डोज आपको इसलिए देना होगा ताकि पेटेंट हो जाए, ठीक है जी। यहाँ मैटर क्लियर हो गया, ये आप इस तरह से इलाज कर सकते हैं, बहुत आसान है। वीडियो बहुत लंबी तो हो गई है, 10 मिनट के समथिंग बन जाएगी अभी, तो वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना करें, टाइम ना हो तो बाद में देखें।
फुर्सत में देखें ताकि परेशान ना होना पड़े। मैंने आज आपको क्लियरली बता दिया बकरी का डिस्चार्ज के रिलेटेड पूरा टॉपिक रख दिया मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें वीडियो। अगर कोई बकरी पालता हो और उसको समस्या होती हो, नहीं भी होती हो, तो उसे शेयर कर दो, क्या पता उसको नॉलेज ही मिल जाएगी। फ्री के टिप्स हैं, किसी को भी बुरी नहीं लगती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।